तो क्या हाल है गाइस। आपने इंटरनेट पर मल्टी लेयर वाली इस वीडियो को तो देखा होगा, जिसमें ये बंदा एक एक करके ये बैलून काटता है और इसमें कलर डाल कर इसे फोड़ देता है। तो आज अपन भी इसे ट्राई करने वाले हैं। ये आ गए अपने बैलून, और अब इन्हें हम एक के ऊपर एक डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये काम तो बड़ा टफ लग रहा है, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे एक के ऊपर एक। इसके लिए अपन एक जुगाड़ लगाते हैं। ये लिया अपने एक पेन और उस पर चढ़ाया पहला गुब्बारा, और अब इसी की जैसे एक के ऊपर एक पूरे गुब्बारे चढ़ाते जाएंगे और आसानी से अपना मल्टी लेयर वाला बैलून का काम हो जाएगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, दबाओ जल्दी, दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, ये काम काफी आसानी से हो रहा है और ये फाइनली हमारा मल्टीलेयर बैलून तैयार हो गया। ये देखो, ये अपना मल्टीलेयर बैलून अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें भरते हैं पानी और चलाते हैं नल। पहले तो नल पर इसको लगाते हैं सभी को, और इसमें भरते हैं अब पानी। ये पन्नी इस पर लगा लिया और उबरते हैं इस पर पानी, बट ये पानी इसमें भर नहीं रहा, मतलब इस ये नल का प्रेशर नहीं बन रहा है। तो अपन जुगाड़ लगाते हैं पानी के मोटर चलाते हैं और इसको बढ़ते हैं स्पीड से। पानी के मोटर से इसमें प्रेशर बनेगा और अपना बैलून आराम से बढ़ जाएगा। ये देखो कितनी जल्दी अपना बैलून बर्गर तैयार हो गया। अब इसके मुंह को बांध देते हैं, धागे से अपन ने इसका मुंह बांध दिया। अब इस बैलून को रखते हैं फ्रिज में और करते हैं इसके जमने का वेट। ये रख दिया अपन ने इसको फ्रिज में और शटर डाउन। फाइनली 12 घंटे के बाद में अपना बैलून जमकर तैयार हो गया, लेकिन इसकी एक लेयर तो फट चुकी है। कोई बात नहीं, अपने पास काफी लेयर है इसकी। पहले तो इसके ऊपर की लेयर को हटाते हैं। ये लो, अब चाकू से एक एक लेयर को काटते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो पूरी लेयर एक साथ ही कट गई। कोई बात नहीं, ये लो ये एक लेयर बची, इसको भी काट दिया। ये क्या, ये आ गया अपना बर्फ का गोला। ये तो बचपन की याद आने लग गई। मैंने अब इसको ब्रेक करते हैं छेद और डालते हैं इसमें कलर। लेकिन लग रहा है अंदर तक जमा हुआ है, इसमें छेद आसानी से हो नहीं रहा। थोड़ा बहुत हुआ है इसमें और अब डालते हैं इसमें कलर। अभी साइड में छेद करते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जमा हुआ है, बर्फ का गोला बना हुआ है। ये तो ज्यादा जमा दिया गाइस इसको अपन ने। कोई ना, ये हम डालते हैं पिंक कलर। ये तो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब धीरे 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 सभी जो अपन कलर बनाए थे वो इसके ऊपर डाल देते हैं। लास्ट में पूरी प्लेट ही,
इसे तो पारनी पड़ेगी पूरी प्लेट ही। ये लो डाल दी पूरी प्लेट इस पर और ये लो बन गए गुब्बारे। ये दे तेरी फोड़ते हैं इसको। ये लो अपने पास पानी का एक बैलून और है, इसको फोड़ते हैं। ये लो क्या खूबसूरत नजारा है।